समिति वाले मंदिर निर्माण समिति वाले नीचे सामने आ जाए, मेरे सामने यहाँ नीचे नीचे सामने आ जाए, और युवा मंच भी आ जाए मंदिर, जो युवा मंच है, युवा मंच कौन कौन है भैया, युवा मंच के लोग जरा यहाँ पे आ जाए मेरे सामने। पंच कल्याणक समिति, युवा समिति, मंदिर समिति, जरा एक बार यहाँ पे आ जाए मेरे सामने, जो हतीम में रहने वाले हैं। हाँ, जो हतीम में रहने वाले हैं वो आए, जो हतीन में रहने वाले वो सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए, हतीन वाले केवल, हाथी के ऊपर सवार है ना, जरा हाथी से नीचे उतर आओ, और हाथ जोड़ो अपने, सभी हाथ जोड़ लेंगे अपने, हाथ जोड़ लेंगे, और मैं जो बोल रहा हूं वो उच्चारण करेंगे। हे गुरुदेव, हम पंच कल्याणक पूर्ण होने पर नियम लेते हैं कि हम रोजाना मंदिर में अभिषेक पूजन करेंगे, और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए छूट दे रहा हूं, तुमने दे रहा, मैं दे रहा हूं छूट, उनके लिए छूट दे रहा हूं कि वो छुट्टी के दिन अभिषेक पूजन जरूर करेंगे। हाँ, पढ़ाने वालों के लिए अगर सुलभ हो तो वो रोज करेंगे, नहीं तो छुट्टी के दिन तो करेंगे करेंगे। पढ़ाने वाले बहाने ना बनाए, पढ़ाने के लिए 10 बजे जाना होता है। हाँ, हाँ। तो अब नियम हो गया आज से, जितने भी यहाँ पे मेरे सामने खड़े हैं ना, जो कॉलेज में नहीं जा रहे, स्कूल में नहीं जा रहे, उनको तो रोज करना है, ध्यान रखना, जो कॉलेज में स्कूल में नहीं जा रहे उनको तो रोज करना है, और जो स्कूल जाने वाले हैं, हाँ हाँ, या मतलब जिनकी समर्थता है तो उनको छुट्टी के दिन एक दिन तो जरूर करना है, और दर्शन रोज करना है, ध्यान रखना, दर्शन तो रोज करना है सबको, सबके लिए नियम दे रहा हूं मैं। बाद में अंजल ग्रहण करना है, पहले देव दर्शन अवश्य करना है, छुट्टी के दिन पूजन भी करनी है, और पुरुषों को तो रोज ही करनी है, और जो 8 बजे का स्कूल है जिनका, वो तो रोज ही कर सकते हैं, 8 बजे वाले तो, वो तो रोज पुण्य कमा सकते हैं, अगर पुण्य कमाओगे तो तुम्हें उसका फल अपना भी पता लग जाएगा, ध्यान रखना, अगर धर्म करोगे तो धर्म का फल तुम्हारे सामने अपने आप ही आ जाएगा। वो तो चलो चर्चा कर लेंगे इनसे। हाँ, तो कहने का प्राय है कि हमें अपना जो है क्या है, आपको पुण्य का, आपको पुण्य नियम हो गया आपका, बोलो कौन कौन नियम लिया है, किसी ने हाथ खड़ा करके बताएं, किस किस ने नियम लिया अभी ये जो मैंने कराया है, तुमने नहीं लिया क्या, दर्शन तो करोगे तो हाथ को नहीं खड़ा कर रहे। हाँ, हाँ तो चलो हतीन वालों के लिए है सब, ये तो हतीन वालों के लिए है। हाँ तो कोई बात नहीं, बस ठीक है, बैठ जाइए सब लोग अपने जगह पर जाकर, और कहने का प्राय है कि हमें ये पंचगणक मंदिर समिति, पंचगणक समिति और आए हुए यहाँ पर जो जितने पात्र हैं सभी ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर भक्ति की। हतीन की महिला मंडल खड़ी हो जाए अपने स्थान पर, हतीन में रहने वाली जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं खड़ी हो जाए अपने स्थान पर, जरा हतीन में रहने वाली जो हतीन की महिलाएं खड़े हो जाए अपने स्थान पर, और हाथ जोड़ेंगे वहीं पे अपने स्थान से। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, खड़े खड़े, हाँ चलिए हाथ जोड़ेंगे, और बालिकाएं भी, जो बालिकाएं हतीन की, हतीन में रहने वाली बालिकाएं भी खड़े हो जाए अपने स्थान पर। गुरुदेव, कुछ लड़कों को आशीर्वाद देना पड़ेगा, उनकी शादी जल्दी हो जाए, महिलाएं थोड़ी सी बढ़ जाए यहाँ पे। चलिए हाथ जोड़ेंगे, बोलो हे गुरुदेव, हम प्रतिदिन मंदिर में अभिषेक पूजन करेंगे, मतलब अभिषेक तो नहीं कर सकते, अभिषेक देखना आप लोगों को, अभिषेक देखेंगे और पूजन करेंगे, और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए छूट दे रहा हूं, अगर वो रोजाना नहीं कर सकते तो छुट्टी के दिन जरूर करना उनको। चलिए बैठ जाए हमारे स्थान पर। चलिए ओम नमः। बोल परम पूजाचार्य श्री ज्ञान भूषण जी मुनिराज की।
और नहीं तो आभार व्यक्त कर दो आपका देखकर आपको कैसा लगा। और अब मैं ज्ञानगंगा माता जी से निवेदन कर रहे हैं कि वो भी अपना अनुभव इस पंच कल्याणक का और जिन लोगों का सहयोग रहा है उनके लिए दो शब्द माता जी भी बोलेंगी। एक माइक लाओ भैया जल्दी। सब प्रथम सभी देश शांत गुरु की वंदना करेंगे। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीधा से सिद्धीश्वरा आचार्या जिनिशाशिनो नति। कोई बोली थी मैंने बात, कुछ लोगों ने प्रश्न भी उठाया था कि माता जी अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, पूर्ण कहां से हुआ। लेकिन जब गुरुदेव का आशीर्वाद सानिध्य हमें मिल जाता है, जिस समय से भी मिल जाता है, उसी समय हमारा वो कार्य सानंद संपन्न पूर्ण हो जाता है। फिर तो हमें सिर्फ देखना देखना होता है, करना कुछ नहीं होता। करना तो फिर इनके आशीर्वाद को होता है। क्या हतीन वाले इस बात को सत्य साबित कर सकते कि आपके साथ ऐसा हुआ है? मास्टर जी कहाँ है? इस कार्यक्रम की रूपरेखा मास्टर जी कहो या इस कार्यक्रम की नींव कहो, एक ही बात लगा सकते हैं। अगर ऐसा सत्य है तो एक बार ताली बजाइए मास्टर जी के। मास्टर जी आपने बहुत कार्य किया। किसका? पंडित जी का? नहीं, पंडित जी का पहले बोल दो। अगर पंडित जी का नहीं बोलोगे, अभी भी विसर्जन रह रहा है, कहीं गड़बड़ ना कर दे कुछ। अभी भी मंत्र बोलने हैं कुछ दो चार। देखिए करने वाले सब होते हैं, लेकिन उन करने वालों के आगे या पीछे या दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस गाड़ी को चला रहा होता है। और कोई शायद मैं ये गलत ना कहूं तो उस एक गाड़ी के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अगर मैंने कोई नाम देखा है तो बहुत लोग करने वाले, लेकिन अगर वो इंजन मैंने देखा है तो अगर आपको भी गलत ना लगे तो वो मास्टर जी रहे हैं। करने वाले हतीन के भी हैं, पलवल के भी है, होडल के भी है, फिरोजपुर झिरका के भी है, आसपास फरीदाबाद दिल्ली के लोग भी शामिल है, सब बहुत लोग है करने वाले। लेकिन एक उसको ऊर्जा देने वाला एक व्यक्ति अगर रखा जाए आगे तो मास्टर जी है। सच में इस उम्र तक पहली बात तो हम जैसे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि ना तो आज वो खान पान रहा ना वो पुरुषार्थ रहा, शायद पहुंच नहीं पाएगा। अगर गलती से पहुंच भी गए इस उम्र तक तो ऐसा कार्य तो जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। इतनी मेहनत जो भागा दौड़ी, कान पर फोन और पैरों की चाल मन से भी तेज, ना बाइक ना स्कूटी ना साइकिल ना ऑटो रिक्शा, यहाँ से मंदिर जाना हो चाहे धर्मशाला जाना हो चाहे चौके वाले स्थान पर जाना हो कहीं भी जाना हो बस पैदल दिखाई देंगे। ऐसे ही है, सही कह रहे हो तो ऐसे मत कहो ना, सही तालियों से एक बार अच्छे से बता दो बैठे मास्टर जी। और जो यहाँ की गुरुवर थाल सजा कर लाए हैं तब चरणों में अर्पित करने भाव बना हमें आए हैं। हे प्रशम मूर्ति करुणा धारे गुरुवर हम पर उपकार करो, तुम जैसे हम भी बन जाए गुरु शीश हमारे हाथ धरो। ओम रूम परम पूज आचार्य यतिवर 108 श्री ज्ञान भूषण जी महाराज साक्षात विराजमान तिन पावन चरण कमल बिनवाजल फुला दी अर्घम निर्वपा में थी।
जल चंदन अक्षत पुष्प चरोवर दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर धानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि गण धरणी सुनि अंग रचे सुनि ज्ञान मई, सोजिन वरवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम रीम सृजन मगधु द्वाद संगल भगवादनी सरस्वती देवे भ्यो नमः। जल फलादि अर्घम नर्व पामेति। चलेंगे सभी अपने स्थान पर बैठे। गुरुदेव क्या मिल गए हमें इनसे मिल गए, उजड़े हुए गुलशन को बागबान मिल गए। गुरुदेव क्या मिल गए हमें इनसे मिल गए, उजड़े हुए गुलशन को बागबान मिल गए। गुरुदेव क्या मिल गए हम इनसे मिल गए, गुरुदेव क्या मिल गए हम इनसे मिल गए। उजड़ी प्राप्त शांति नाथ मुख सचिव नारी शील प्रणामी लखन एक सो आठ विराजे दिन कटने चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेन्द्र पूज जन नायक नमो शांति हित शांति विधायक। पिटक बहुवन की वर्षा गुप्त भी आसन वाणी सरसा चंद्र चवर मंडल भारी ये तव प्रातिहार मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत कोच पूजो सिर नाई परम शांति दीजे हम सभी को पढ़ते ने पुनि चार संग को। पूजे दिन मुकुट हार क्रीत लाके इंद्रादि देवेर पूज्य पदार्थ जाके सुशांति नाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करहे शांति सदा रूप। सब पूजिकों को प्रतिपालिकों को यति निपों को यति नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश कोले विजय सुखी है दिन शांति कोले। हो गए सारे प्रजा को सुख बलि धर्मदारी निशा हो गए वर्षा समर्पित निर्भरना रह गया न्यों का दिशा हो गए चोरे नारे सुस्वामत का नमस्कार मारी सारे हैं देवता नमस्कार जो सदा सौख्य कार्य जरूर चंदन की धारा है घाति कर्म जन नाश कर पाए हो केवल राज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जनराज, शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जनराज, शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जनराज। हाथ जोड़ेंगे कृष्ण श्री जी को समाधि की भावना भाएंगे। शास्त्रों का हो पठन सुनना लाभ संगति का सदवृत्तों का स्वस्थ रह के दोष भाग हो सभी का। बोलो प्यारे वचन हित के आपका दुख दिया तो के मोक्ष जलो न पाओ तव पद मेरे लिए मैं ये तेरे पवित्र चरणों में शांति भक्ति समाधि
पंडित जी कपूर देना बहुत ऊपर देख।
प्रमुख पात्रों की इंद्राणियां आ जाएं कलश लेने के लिए। हमें प्राण हो
जल लो कलश करो करो पीछे जल की शुद्धि जल शुद्धि करनी है कलश में भगवान स्वाहते मंत्र में सिंचन जल पवित्री करणम चलिए तो मार्जन एक दिन थोड़ी थोड़ी हाँ ताली नहीं सब सामने देखना देख लो ध्वजा में हाथ लगवा लो पाइप डाल के ना आधा इंची का पाइप डाल दो इसमें अंदर सुधीर मार फोटो आ जाएगा नीचे तक सुधीर फोटो मार और एक दो फीट निकल जाएगा ऊपर उसमें रुको रुको अरे पंडित जी पूरी ध्वजा पंडित देखो देखो चलो बैठ जाओ हो गई फोटो हो गई पहले आवाज कर What?